हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्टेडियम इन इंडिया। ठीक है, इनको आज हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। सारे मैंने वही स्टेडियम ले रखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेडियम है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये बंगलोर में है। ठीक है, बंगलोर को आपको पता ही है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये इसके निकनेम है। जो आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का आईपीएल, उसमें एक टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंज बंगलोर। तो जो आरसीबी टीम है उसका ये होम ग्राउंड है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। आरसीबी के कैप्टन अब तक विराट कोहली रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करोगे? इसके लिए मैंने यहाँ पर हिंट दे रखी है आपको, चाइना में क्रिकेट बैन है। ठीक है, क्योंकि हम क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर। चाइना कहाँ से आया? चिन्ना स्वामी से। इसके मैंने शुरू के लेटर्स ले लिए। बैन कहाँ से आया? बंगलोर से। इसके मैंने शुरू के लेटर्स ले लिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, चाइना में क्रिकेट बैन है। ठीक है, ये आपकी हिंट हो गई या आपकी ट्रिक हो गई। सेकेंड स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है क्रिकेट का। लार्जेस्ट स्टेडियम है ये क्रिकेट का। ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। इसको आप कैसे याद करोगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हिंट दे रखी है, अहमद कहाँ से आया? यहाँ से आ गया, अहमदाबाद से। तो अहमद जब से सरदार बना है तब से मोटा होता जा रहा है। मोटा कहाँ से आ गया? मोटेरा से। सरदार कहाँ से आया? सरदार पटेल से। तो जब से अहमद सरदार बन गया है तब से वो मोटा होता जा रहा है, वो फैट होता जा रहा है। तो इस तरीके की हिंट से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टेडियम है, ये सारे वही स्टेडियम है जो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, होलकर स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये इंदौर एमपी में है, इंदौर एमपी। ठीक है, होलकर स्टेडियम, इसको आप कैसे याद करोगे? हेलो इंडिया। इंडिया कहाँ से आया? इंदौर से। शुरू के लेटर्स INDI, यहाँ से मैंने INDI लिया, यहाँ से हेलो लिया मैंने, तो हेलो इंडिया। तो होलकर स्टेडियम को आप कैसे याद रखोगे? हेलो इंडिया। ठीक है, हेलो इंडिया, इंडिया मतलब इंदौर। तो ये आपकी हिंट होगी इसको याद रखने की। ठीक है, चौथा स्टेडियम लेते हैं, ईडन गार्डन्स स्टेडियम। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टेडियम है, ओल्डेस्ट स्टेडियम। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो आप बता दोगे ईडन गार्डन्स स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में है ये। इसको आप याद कैसे करोगे? देखो, वैसे तो आप जब इसको 4-5 बार रिपीट करोगे तो आपको वैसे याद हो जाना है। यहाँ पर हिंट तो बस मैंने इसलिए दे रखी है जिससे आपको और आसान हो जाए याद रखना। ठीक है, तो ईद पर मैं अपने गार्जियंस के साथ कोलकाता जाऊँगा। ईद मतलब ईडन, गार्जियंस कहाँ से आया? गार्डन से। कोलकाता, कोलकाता से। ठीक है, तो ईद पर मैं अपने गार्जियंस के साथ कोलकाता जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फोर्थ स्टेडियम पर आते हैं, बारामती स्टेडियम। ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा। ठीक है, बारामती स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? यार, हमारे यहाँ बार बार बत्ती कट हो जाती है। बत्ती मतलब लाइट। ठीक है, बत्ती, कट मतलब कटक, बार बार मतलब बारह, यहाँ से मैंने बार बार लिया, बत्ती यहाँ से लिया मैंने, ये बत्ती हो गया और कट हो जाती है। यार, हमारे यहाँ बार बार बत्ती कट हो जाती है, लाइट कट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आपको जैसे ही आप इसको पेपर में देखोगे, बार बार आपको दिख जाएगा, बत्ती दिख जाएगा, कट दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपको ये हिंट से याद आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेडियम पर चलते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कई बार पूछा गया है, ये कानपुर में है, कानपुर यूपी, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैंने हिंट दे रखी है, कानपुर में मैं पीजी में रहता था, पीजी यहाँ से पी लिया, यहाँ से जी लिया, पीजी पेइंग गेस्ट, कानपुर में मैं पीजी में रहता था, कानपुर में मैं पीजी में रहता था। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम ये कहाँ पर, ये भी कोलकाता में है। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम ये भी कोलकाता में है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, इसको आप इस हिंट के जरिए याद करोगे, कोका कोला में सॉल्ट नहीं होता। तो सॉल्ट मतलब सॉल्ट यहाँ से आ गया, कोला जो हमारा कोला है, कोला तो को आ गया कोलकाता से, ला आ गया लेक से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ला लिया, यहाँ से मैंने को लिया, तो कोका कोला में सॉल्ट नहीं होता। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम। पहले इसका नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। अगर क्वेश्चन बनता है तो बताइए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पहले किसका नाम था, तो वो अरुण जेटली स्टेडियम का है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है ये, इसको आप कैसे याद करोगे, अरुण दिल्ली जा, देखो कोई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप सिंपल याद कर लेना इसको, अरुण दिल्ली जा, अरुण दिल्ली जा, जेटली से मैंने जा लिया, अरुण तू दिल्ली जा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेडियम है कीनन स्टेडियम, कीनन ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में है, इसको हम टाटा सिटी बोलते हैं, इसको हम स्टील सिटी बोलते हैं। ठीक है, जमशेदपुर को, तो यहाँ पर एक कीनन स्टेडियम है। ठीक है, कीनन, इसको आप कैसे याद करोगे, सिड़की नानी जाम में फंस गई। ठीक है, सिड़की नानी, सिड़ कहाँ से आया, सिड़ आया यहाँ से, की नानी कहाँ से आया, कीनन से, की नानी, सिड़की नानी कीनन से, जाम, जाम कहाँ से आया, जमशेदपुर में से जाम आ गया, मैं फंस गई, सिड़की नानी जाम में फंस गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, सिड़की नानी जाम में फंस गई। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में है। ठीक है, इसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, मानसी और जय की सगाई होगी, मानसी कहाँ से आया, यहाँ से आ गया मानसी, जय कहाँ से आया, वो जयपुर से आ गया, सगाई कहाँ से आया, सवाई से आ गया, तो मानसी और जय की सगाई हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, मानसी जय, मानसी जय। ठीक है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, जयपुर में। वैसे आप इनको चार पांच बार रिपीट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, आपको हिंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी हिंट से आपको ये जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेडियम है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है, चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करोगे, इसके लिए मैंने हिंट दे रखी है आपको, मैंने अपना मैक चेन्नई से बाय किया, मैंने अपना मैक जो एप्पल के मैक कंप्यूटर आते हैं, तो मैक मैंने लिया यहाँ से, एम ए सी, मैंने अपना मैक कहाँ से परचेज किया, चेन्नई से परचेज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। वानखेड़े, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, वानखेड़े मुंबई में है, जो 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी श्रीलंका को हराकर, धोनी कैप्टन थे, तो उसका फाइनल जो हुआ था वर्ल्ड कप का फाइनल, वो वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था, मुंबई में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है,
इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जो मुंबई सिटी है वो आपके वेस्ट कोस्ट में है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में। तो वेस्ट कहाँ से आ गया, वानखेड़े से। मतलब इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही थी, लेकिन इसको आप अगर 5 से 6 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मुंबई वेस्ट कोस्ट में है, तो मुंबई वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है, MW। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे स्टेडियम्स जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, एंड विजिट अस एट gkmojo.com, ठीक है, यहाँ पर आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो, GK के बारे में पढ़ सकते हो, और भी टॉपिक्स वहाँ पर मेंशन है। थैंक यू।